क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्का। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। लेग पीस लिए हमने 4 अदद, जिन्हें हमने कट लगा लिया। दही ली है 1 कप। लेमन जूस लिया है 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है भर के 1 टेबल स्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को हमने भून लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। अजवाइन लिए हमने 1 टीस्पून, इसे भी मैंने भून लिया। गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। टाटरी ली है हमने 1/2 टीस्पून। और तंदूरी कलर लेंगे हम 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम ब्लेंडर में ज़ीरा, अजवाइन, इनको पीस लेंगे। ये हमने पीस लिए। अब इनमें बाकी के मसाले डालेंगे हम। नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टाटरी डालेंगे और तंदूरी कलर डालेंगे और इनको हम पीस लेंगे। ये सारे मसाले पीस चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब एक बोल में हम दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और जो ये हमने मसाला तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे, एक एक टिक्का पकड़ेंगे, उसमें ये डिप करते जाएंगे मसाले को। एक टिक्का पकड़ेंगे, ये हमने लगा लिया। अब इसे उठा के साइड नीचे से लगाएंगे। अब इसे उठा के स्ट्रे में रखते जाएंगे और इसी तरह सबको मसाला लगा लेंगे। सारा मसाला हमने लगा लिया। अब इसे हम रख देंगे ओवरनाइट। अगर आप चाहें तो आप 6 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट रखेंगे तो मसाला इस चिकन में ज़्यादा अच्छा रच जाएगा। तो अब इसे हम कवर करेंगे। तंदूरी चिकन टिक्के को हमने ओवरनाइट तक रखा, ये अच्छे से हो चुका है। अब इसे हम ग्रिल करेंगे। अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं और इसे वैसे भी पैन में बना सकते हैं। तो हम इसे ग्रिल करेंगे, ग्रिल को प्रीहीट करेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी और इसे हम ग्रीस करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आप ग्रिल को गर्म कर लें, तकरीबन 10 मिनट तक। तो ग्रिल अच्छे से गर्म हो गई है। अब इस पे हम चिकन टिक्का रखेंगे। तो एक उठाएंगे, और जो मसाला है इसके ऊपर लगा लेंगे। लो फ्लेम पे इसे एक साइड पकाएंगे 10 मिनट और दूसरी साइड को भी हम 10 मिनट पकाएंगे। एक साइड जैसे पक जाएगी मैं इसे टर्न करूँगी, फिर दूसरी साइड को पकाऊंगी। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, देखेंगे। दूसरे की भी कर लेंगे। तंदूरी चिकन टिक्का तैयार है, दोनों साइड से पक चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। तो इसे अब हम प्लेट में डालेंगे। इसी तरह बाकी के फ्राई कर लेंगे। तंदूरी चिकन टिक्का तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।